शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार द्वारा भर्तियों में की जा रही अनियमितताओं को लेकर सोमवार को शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के विरोध में जमकर नारेबाजी की। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार भर्तियों में धांधली की जा रही है, जिससे प्रदेश की जनता एवं कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बीते दिन लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में भी देश विरोधी ताकतों द्वारा खालिस्तान के झंडे लगाए गए। उन्होंने कहा कि इससे साफ नजर आता है कि प्रदेश सरकार प्रदेश की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, जिला जितने भी जिला हैं, वहां जो भर्ती घोटाला हुआ है उसको लेके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम ही है, मार्च में ये जो एग्जाम है ये हुआ था और लगभग 73,000 युवाओं ने जो ये एग्जाम दिया था और लोग अपनी जेब से जो युवा हैं पैसे खर्च के दूर दूर एग्जामिनेशन सेंटर थे, पैसा खर्च के गए थे और उसके बाद जब भर्ती प्रक्रिया का कार्य शुरू हुआ ये घोटाला उजागर हुआ और ये जो घोटाला है ये 73,000 युवाओं के साथ धोखा है, हिमाचल की जनता के साथ धोखा है और ये जो सरकार है ये हर स्तर पे इसका फेलियर रहा है। आप चाहे भर्ती घोटाला देख लीजिए, अभी पिछले कल ही आपने देखा होगा विधानसभा भी सुरक्षित नहीं है हिमाचल प्रदेश में, वहां भी खालिस्तान के गैर जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने आके गेट पे झंडे लगा दिए और वॉल राइटिंग तक कर दी। अब वो जो वॉल राइटिंग हुई है आप खुद देखिए उसमें कितना टाइम लगा होगा और बड़ी हैरानी की बात है क्या सुरक्षा व्यवस्था थी वहां पे। और ये जो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हैं, हर वर्ग परेशान है, लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, किसान परेशान है, ये जो सरकार है इस सरकार का हर जगह फेलियर है। आने वाले समय में जनता जो है इनको सबक सिखाने के पूरे मूड में है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी स्तर पे देख लीजिए, इस सरकार का हर स्तर पे फेलियर है और हम इस सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अभी तो चलो इनके जाने का वक्त आ गया पर हम इन्हें आगाह करना चाहते हैं कि जो इस तरह के घोटाले और जो इस तरह के सिक्योरिटी फेलियर और ये जो डबल इंजन सरकार है, महंगाई की सरकार है, बेरोजगारी की सरकार है, इस सरकार से निपटने के लिए कांग्रेस तैयार है। हम जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे और जगह जगह इस सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो मामला है हम नहीं सोचता कि इसमें SIT का गठन, SIT से जांच होनी चाहिए, इसकी जांच जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए, चाहे इसकी जांच CBI से कराएं या कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी या उससे इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस भर्ती घोटाले का मामला है और वही जो संस्था है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये तत्पर नहीं है।